अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहीन सिस्टर्स। और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ गालुडीह डैम। हम लोग ने अचानक से प्लान बनाया है कि कहीं घूमने चला जाए, तो हम लोग जा रहे हैं गालुडीह डैम। और आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे 33 कितना अच्छा बन चुका है। ये देखिए, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं गालुडीह डैम में, और बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ पे। अभी हम लोग गर्मी के दिनों में आ गए हैं, तो पानी यहाँ थोड़ा कम है, ऐसे यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा रहता है। पूरी हरियाली हर तरफ, यहाँ पे आपको कलरफुल चिड़ियाँ देखने को मिलेंगे, बर्ड्स हैं बहुत सारे, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्रेश फिशेज मिल जाए, तो यहाँ पे जो यहाँ के लोकल मछुआरे हैं, वो यहीं पे शाम के वक्त वो फिशेज भी बेचते हैं। तो इतनी तेज़ धूप के बावजूद जिस दिन हम लोग गए थे, और इतनी तेज़ गर्मी होने के बावजूद जब यहाँ पर हवा चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था। हवा बहुत तेज़ चल रही थी यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। बहुत शांत जगह है, अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा वक्त किसी शांत जगह पे गुजारें, तो ज़रूर यहाँ पे आए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और आपको जो कुछ भी हमसे कहना है हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। इसके बाद प्लान हो गया कि हम लोग नरवा की तरफ चलते हैं, तो हम लोग नरवा की तरफ निकल पड़े थे। नरवा पे दोस्तों मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है इस पिकनिक स्पॉट पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग उसे ज़रूर चेकआउट करें। वो वीडियो बेहद पसंद आया था लोगों को, होप अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपको भी पसंद आएगा। आप ज़रूर वो वीडियो देखें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। हम लोग नरवा पहुँच चुके हैं, पानी यहाँ भी कम है क्योंकि गर्मी के दिन है। अगर आप यहाँ पे जनवरी के वक्त आएंगे या उससे पहले आएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पानी बहुत ही साफ रहता है, आपको मछलियाँ भी दिखाई देंगी, ऊपर से इतना क्लियर पानी होता है। यहाँ पे और भी लोग आए थे, कुछ बच्चे आए हुए थे लोकल, और हम लोग भी यहाँ पे गए थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी करते हुए, हम लोग कहीं घूमने जाएँ और फोटोग्राफी ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे, हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा पीएम मॉल भी घूम लिया जाए। तो एक तरह से ये हमारा पूरा डे आउट था, जिसमें हम लोग गालुडीह डैम भी गए थे, और फिर वापसी में नरवा गए, फिर पीएम मॉल गए। और ये 8 मई को हम लोग गए थे पीएम मॉल मदर्स डे के दिन, और ये इतना रश उस दिन, इतना ज़्यादा रश था कि इतना रश तो हमने कभी भी नहीं देखा था इस मॉल में। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, अ टोटल डे आउट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।